अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं ईद स्पेशल डिज़र्ट, जो कि 10 मिनट्स में बन के रेडी होता है। और ये है अरेबिक पुडिंग, जो कि बहुत ही आसान है। तो बिना देर किए चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे 750 ml मिल्क लिया है, उसमें मैंने शुगर ऐड किया और फिर मैंने रिमेनिंग जो 250 ml जो दूध था उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड ऐड किया, उसे अच्छे से मिक्स किया और फिर जो है वो हमारे मिल्क जो बॉईल करने के लिए रखा है उसमें मैंने ऐड किया। उसे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि शुगर और कस्टर्ड जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और कस्टर्ड जो है वो अच्छे से थिक हो जाए। उसके बाद में जो है वो अदर साइड जो है वो हमें ब्रेड लेना है, वाइट ब्रेड। उसके जो है वो कॉर्नर्स निकालिए और कॉर्नर्स निकालने के बाद में परफेक्ट स्क्वायर शेप जो है वो हमें इससे निकालना है। और ये जो कॉर्नर्स है उसका जो है वो हम क्रम बना के रख सकते हैं। तो स्क्वायर्स निकालने के बाद में मैं इसे जो है वो डिश में, ग्लास डिश में जहाँ पे हम डिज़र्ट सेट करने वाले हैं उसमें जो है वो हमें अरेंज करना है, सेट करना है। और उसके बाद में जो है वो हमने बनाया हुआ जो कस्टर्ड मिल्क है वो हमें इस पे पोर करना है। कस्टर्ड मिल्क जो है वो ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, उसको लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि वो पूरा ब्रेड जो है वो अच्छे से कस्टर्ड सोक करके ले। और क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा डालिए तो अच्छे से जो है वो ब्रेड जो है वो इसे एब्जॉर्ब करके लेगा। ऐसे वन लेयर करने के बाद में मैंने सेकेंड लेयर भी सेम ऐसे किया। वो होने के बाद में जो है वो एक बाउल में जो है वो हमें मिल्क क्रीम लेना है। तो यहाँ पे मैंने अमूल का क्रीम लिया है और इसे निकालने के बाद में जो है हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये अराउंड 2 टेबल स्पून होगा। तो आप स्वीटनेस जो है वो अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हो। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम उस पर पोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो उसे अच्छे से मिक्स किया है और फिर मैं जो हूँ वो इस हमारे ब्रेड पुडिंग पे जो है वो हमें इसे अच्छे से पोर करना है। तो पूरा बनाया हुआ मैंने इस पे जो है वो मिक्स किया है क्रीम। और मिक्स करने के बाद में जो है वो आप थोड़ा सा अच्छे से इसे फैला दीजिए ताकि वो अच्छे से ऑल कॉर्नर्स पर अच्छे से चला जाए। और फिर जो है वो आप इसे कोई भी ड्राई फ्रूट से जो है वो आप डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही आसान और इजी डिज़र्ट है, इसे हर कोई बना सकता है और इसे टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। 10 मिनट्स के अंदर जो है वो आपका डिज़र्ट ये बनके रेडी हो जाएगा। इससे जो है वो ड्राई फ्रूट्स से जो है वो डेकोरेट करने के बाद में जो है वो हम इसे सेट होने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स जो है वो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो है वो पुडिंग में जो है वो ऑल जो कस्टर्ड मिल्क और ये क्रीम लिक्विड जो हमने बनाया था वो पूरी तरह इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। और उसके बाद में फ्रिज में मैंने रख दिया था आफ्टर 4 to 5 आवर्स के बाद में। आप देख सकते हो। अब मैं जो हूँ वो इसे निकाल के जो है वो सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से पूरी तरह जो है वो बहुत ही अच्छे से जो हमारे कस्टर्ड ने और क्रीम जो हमने ऐड किया है उसने एब्जॉर्ब करके लिया है। और खाने में भी ये डिज़र्ट जो है वो बहुत ही रिच और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। बहुत ही परफेक्ट जो है वो स्वीटनेस और जो अदर चीज़ें जो हमने ब्रेड में ये बनाई हुई है यहाँ पे आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि ये ब्रेड में बनाया है। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिज़र्ट है और बहुत ही आसानी से कम वक्त में आप इसे बना के रख सकते हो। तो ईद पार्टी के लिए ये डिज़र्ट एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।